Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स के बारे में जानकारी एकत्र की हमने जाना कि हमारी हाइपोथेसिस जिस प्रकार की होती है उसी हाइपोथेसिस के आधार पर तथा हमारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा एनालिसिस के मेथड्स अवेलेबल हैं जिनका उपयोग हम लोग उन हाइपोथेसिस को एग्जामिन करने में करते हैं हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जाना कि यदि हमें दो ग्रुप्स के बीच में जो अंतर है उसकी सार्थकता का स्तर यदि एग्जामिन करना हो तो हम लोगों को टी टेस्ट जैसा एक डेटा एनालिसिस का मेथड यूज करना होता है जब हमारे पास एक ग्रुप ना होकर एक से ज्यादा ग्रुप हो अर्थात दो तीन चार पाँच हमारे ग्रुप्स हों और हमें उन ग्रुप्स में यह निर्धारित करना हो कि इन ग्रुप्स में कोई अंतर है या नहीं यदि यह अंतर है तो क्या यह अंतर सार्थक है या नहीं तो उसके लिए हम लोगों ने अनोवा एनालिसिस के बारे में जाना उसके बाद हम लोगों ने एक डिफरेंट तरह के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया जिसमें हम लोगों ने दो ग्रुप के बीच में या दो से अधिक ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता जांच ना करके दो या दो से ज़्यादा यदि हमारे पास वेरिएबल्स हैं और हमें उन वेरिएबल्स के बीच में संबंध कोरिलेशन की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम लोग कोरिलेशनल एनालिसिस का उपयोग करते हैं इसके बारे में भी हमने लास्ट के लेक्चर में सीखा आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डेटा एनालिसिस के एक नए मेथड के बारे में सीखेंगे यह मेथड टी और अनोवा से तो नेचर में और उसके अर्थ में काफ़ी अलग है लेकिन यह कोरिलेशन का जो मेथड है उससे काफ़ी मिलता जुलता है तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन जो कि आज के हमारे इस लेक्चर का मुख्य टाइटल है उसके बारे में डिस्कशन करके शुरू करते हैं तो यदि आपको कोरिलेशन के बारे में याद होगा तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन कोफिशेंट कैलकुलेट करते हैं और कोरिलेशन कोफिशेंट हमें यह बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है अर्थात उसका स्ट्रेंथ क्या है तथा हम ये जानते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका डायरेक्शन क्या है तथा हमने ये भी जाना कि कोरिलेशन बाय बाई डायरेक्शनल होता है ये सभी किसकी स्ट्रेंथ है कोरिलेशन की लेकिन हमने यहाँ पर एक और शब्द का उपयोग किया है वह है कैन नॉट प्रेडिक्ट तो यदि आपको कोरिलेशन का लेक्चर याद है तो हमने कोरिलेशन में कहीं भी ये नहीं कहा होगा कि कोरिलेशन correlation या कोरिलेशनल कोफ़िशेंट के माध्यम से हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमने उसमें यह डिस्कस किया कि दो वेरिएबल आपस में किस तरह का एसोसिएशन सह संबंध रखते हैं उस सह संबंध की मैग्नीट्यूड क्या है उसका डायरेक्शन क्या है यह सब हमें कोरिलेशन के एनालिसिस से जानकारी प्राप्त हो जाती है लेकिन आज हम लोग ये जानते हैं कि यदि हमें कुछ प्रिडिक्ट करना हो तो क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा एनालिसिस का मेथड अवेलेबल है जो हमें किसी एक वेरिएबल के माध्यम से किसी दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में रिग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे रिग्रेशन एक ऐसा मेथड है जो हमें कोरिलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ अर्थात उसके गुणों और उसके फंक्शंस के साथ साथ हमें एक नई जानकारी देता है कि हम अब एक वेरिएबल के माध्यम से दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिग्रेशन किस प्रकार से कोरिलेशन से जुड़ा हुआ है या ये किस प्रकार से कोरिलेशन के फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए हमें प्रडिक्शन में भी हेल्प करता है तो कोरिलेशन को हम कोरिलेशन रिलेशन कहते हैं इसी प्रकार आर को हम लोग आर स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं तो आर स्क्वायर या कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें क्या क्या जानकारी देता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप की जानकारी भी देता है जैसी हमें कोरिलेशन में मिलती है इसके साथ साथ यह हमें उस रिलेशनशिप के मैग्नीट्यूड के भी बारे में जानकारी देता है क्योंकि यह कोफ़िशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन है तो यह मैग्नीट्यूड के जो नेचर है जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है उसके साथ साथ यह यह भी बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनका जो रिलेशनशिप है उसका डायरेक्शन क्या है वह वेरिएबल एक दूसरे को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं या निगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं हम वेरिएबल ए से वेरिएबल बी को पॉजिटिव फॉर्म में प्रडिक्ट कर सकते हैं या उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं वो निगेटिव फॉर्म में है यह जानकारी भी हमें रिग्रेशन के एनालिसिस के माध्यम से मिल सकती है लेकिन यहाँ पर हमारा कोरिलेशनल एनालिसिस और रिग्रेशन का एनालिसिस की अजम्पशंस और फंक्शंस डिफरेंट होने शुरू हो जाते हैं कोरिलेशन में हम लोगों ने यह डिस्कशन किया था कि कोरिलेशन रिलेशन डायरेक्शनल होता है ए एंड बी तो जो ए का बी से कोरिलेशन होगा वही बी का ए से कोरिलेशन होगा लेकिन रिग्रेशन में हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि हम ए के द्वारा बी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोरिलेशन में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी का या बी ए का कॉज है कि ए ने बी को निर्धारित किया है या बी ने ए को निर्धारित किया है हम वहाँ सिर्फ ये निर्धारित कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इस प्रकार का संबंध है पॉजिटिव है या निगेटिव है और ये जो संबंध है इसका इतना स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड है किसके फॉर्म में आर के फॉर्म में लेकिन यहाँ पर हम लोग यह भी निर्धारित कर सकते हैं के कौन कॉज है तो इसके माध्यम से हम लोग रिसर्च में कॉजेशन भी निर्धारित कर पाते हैं हम लोग ये कह पाते हैं कि ए कारण है किसके लिए बी के लिए या अगर हमारा पर्पस है बी तो हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि बी ए का कारण है या नहीं तो हम रिग्रेशन में जो डायरेक्शन है उसे भी निर्धारित कर सकते हैं किसके फॉर्म में किसकी टर्म में कॉजेशन के कि ये कॉज है और ये उसका इफेक्ट है यहाँ पर यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण एवं एसेंशियल है कि रिग्रेशन एनालिसिस में कॉजुअल रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए थिएटिकल सपोर्ट एवं डेटा कलेक्शन या वेरिएबल के एक्सपोजर का क्रम एक असेंशियल कंसिडरेशन है लेकिन कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स की सेम पोजिशन है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कोई किसी का कारण या कॉज या उसका इफेक्ट नहीं निर्धारित करता है तो इस प्रकार आज हमने देखा के रिग्रेशन किस प्रकार से कोरिलेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अजम्पन्स हैं उन पर आधारित है और उन पर आधारित होकर ये किस प्रकार हमें नई इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा से हमें देता है देखिए टी में हम लोगों ने सिर्फ़ इतना कैलकुलेट किया कि दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है अनोवा में हमने देखा के दो से ज़्यादा ग्रुप हैं तो उन ग्रुप्स के बीच में डिफ़रेंस है या नहीं है कोरिलेशन में हमने जाना कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है यहाँ पर हम लोग रिसर्च का एक जो मेजर परस्पेक्टिव है एक जो मेजर परपज़ है वो है प्रिडिक्ट करना रिग्रेशन के एनालिसिस के माध्यम से हम लोग रिसर्च के इस परपस को फुलफिल कर पाते हैं कोरिलेशन से हम लोग रिसर्च के प्रडिक्शन के परपस को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं एक रिसर्च के काफ़ी पर्पजेज होते हैं उन रिसर्च में हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए फिना यदि हम साइकोलॉजी के टर्म में बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर तथा प्रिडिक्शन ऑफ इवेंट यदि हम साइक्लोजी के रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर का प्रिडिक्शन ये किसी भी रिसर्च का बेसिक पर्पस है इस बेसिक पर्पस को फुलफिल करने में हमें हमारा आर स्क्वायर मदद करता है क्योंकि ये किस पर बेस्ड है प्रेजेंट के डेटा पर अंडरस्टैंडिंग पर और उस अंडरस्टैंडिंग की इंफॉर्मेशन से ये हमें क्या हेल्प करता है प्रडिक्शन करने में तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या जॉब में या कहीं पर कोई एडमिशन की बात आती है तो एक एंट्रेंस एग्जाम कॉमनली कराया जाता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी किसी अच्छे कोर्स में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा एंट्रेंस टेस्ट कराने का क्या बेसिक पर्पस है एक तो पर्पस ये है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास एक स्पेसिफिक लेवल के स्किल्ड लोग आए वो स्टूडेंट आए जिनके अंदर इतनी स्किल हो कम से कम ताकि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरे इंस्टीट्यूट को समझें और मैं उनके साथ आसानी से अपने कार्य को पूर्ण कर सकूं लेकिन ये जो एंट्रेंस का टेस्ट है इसका एक और बेसिक पर्पस है वो है प्रडिक्शन क्यों जब हम एंट्रेंस कराते हैं तो उसमें जिनके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं जो हमें मेरिट में मिलते हैं हम उनका एडमिशन करते हैं किस पर्सपेक्टिव पे कि जो मेरिट में लोग आए हैं इनका आगे फ्यूचर में भी मेरिट उतना ही अच्छा होगा जिन्होंने एंट्रेंस में अच्छा स्कोर किया है वो आगे के एग्ज़ाम्स में भी उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे यदि मैं ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन में कोई टेस्ट कराता हूँ तो ये एजम्पन है कि इस टेस्ट के स्कोर से मैं क्या कर सकता हूँ इन एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर के जो बिहेवियर हैं उन्हें प्रेडिक्ट कर पाऊँगा इसी मेन पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनाइजेशंस में सेलेक्शन एंट्रेंस करते हैं ताकि फ्यूचर में क्या बिहेवियर होगा फ्यूचर में इनकी क्या स्किल्स होंगी फ्यूचर में इनके किस तरह के मार्क्स आएंगे उसका हम एक अनुमान लगाते हैं किसके माध्यम से जो एंट्रेंस में उनकी परफॉर्मेंस है तो यहां पर हम लोगों को जो एनालिसिस हेल्प करता है वह है आर स्क्वायर क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग आगे फ्यूचर के जो प्रडिक्शंस हैं या एक वेरिएबल से जो दूसरे वेरिएबल के प्रडिक्शंस हैं वो कर सकते हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिग्रेशन में हम लोगों का कोरिलेशन के साथ क्या एक डायरेक्ट संबंध है तो हमें ये याद होगा कि कोरिलेशन कोफिशेंट किस तरह के हो सकते हैं या तो परफेक्टली कोरिलेशन हो दो वेरिएबल्स के बीच में या जीरो कोरिलेशन हो या पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है या निगेटिव अब हम देखेंगे कि इनका हमारी प्रिडिक्शन से क्या संबंध है तो जब आपको याद होगा परफेक्ट कोरिलेशन तो परफेक्ट कोरिलेशन की क्या कंडीशन होती है या तो प्लस वन या माइनस वन तो प्लस वन और माइनस वन हमें क्या बताते हैं कि दोनों के बीच में जो चेंजेस हैं वो एक जैसे हैं तो यदि दोनों के बीच में जो चेंजेस हैं वो एकदम सिम सेम प्रोपोर्शन में हो रहे हैं इतने प्रोपोर्शन में हो रहे हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो इक्वली प्रोपोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग अगर दोनों वेरिएबल ए और बी हैं और इनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में तो हम ए से बड़ी आसानी से बी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसी नेचर अपने चेंजेस में शो कर रहे हैं जीरो कोरिलेशन कब होता है जब ए और बी के बीच में जीरो कोरिलेशन कोफिशेंट हो अर्थात वो एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए एसोसिएटेड ना हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ भी नहीं क्यों क्योंकि तो दोनों वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं तो यदि मेरे पास एक वेरिएबल के स्कोर होंगे भी तो मैं उससे दूसरे वेरिएबल के स्कोर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊँगा मैं नहीं कह पाऊँगा कि अगर जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब मोटिवेशन दोनों कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। तो यदि आप मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन का स्कोर देंगे तो उससे मैं जॉब मोटिवेशन का स्कोर प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा जीरो कोरिलेशन में प्रेडिक्शन की संभावनाएं ज़ीरो और बिल्कुल मिनिमम ही रहती हैं उसके बाद पॉजिटिव कोरिलेशन और निगेटिव कोरिलेशन इन दोनों में मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं होता है किस में डिफरेंस होता है हमारे डायरेक्शन में तो यदि पॉजिटिव पॉइंट फोर को है और निगेटिव पॉइंट फोर कोरिलेशन है तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों सेम है बस इनका जो डायरेक्शन है वो इन्वर्स है तो जब हमारे पास हमारे कोरिलेशन का कोफ़िशेंट अवेलेबल होता है तो उसके माध्यम से हम लोग आर स्क्वायर के कोफिशेंट को जान सकते हैं कैसे जैसे यदि कहीं दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन होगा वन आर इक्वल टू वन और दो ही वेरिएबल हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन में भी हैं अर्थात दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास जब हम रिग्रेशन में एनालिसिस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यदि हमें उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन पता होगा तो हम रिग्रेशन कोफिशेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आर स्क्वायर तो जो आर स्क्वायर होगा वो आर का स्क्वायर होगा तो वन मल्टीपाई बाय वन वन आर स्क्वायर कैलकुलेट होगा यदि आर की वैल्यू पॉइंट फोर है तो आर स्क्वायर की वैल्यू पॉइंट फोर इंटू पॉइंट फोर तो आर स्क्वायर होगा पॉइंट वन सिक्स यदि दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन पॉइंट नाइन होगा तो जब हम किस में से किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करेंगे रिग्रेशन का एनालिसिस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी आर स्क्वायर की वो होगी पॉइंट नाइन इंटू पॉइंट नाइन दैट मीन्स पॉइंट एट वन तो इस प्रकार यहाँ हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि कोरिलेशन और रिग्रेशन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं लेकिन यह स्थिति सिर्फ तभी तक है जब तक दोनों स्थिति में हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल हों जब हम लोग रिग्रेशन का एनालिसिस करें लेकिन हमारे पास प्रेडिक्टर भी एक हो अर्थात हम लोग एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे हों प्रेडिक्ट करते समय हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल ना हों उस कंडीशन में ये फंक्शंस एज इट इज़ वर्क नहीं करेंगे उस समय ये कोरिलेशन एक दूसरे वेरिएबल के कोरिलेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एग्जैक्टली आर स्क्वायर नहीं किया जाएगा क्योंकि उस समय हमारे पास अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो दो से ज़्यादा कोरिलेशन भी होंगे जैसे यदि हम लोग बी को प्रडिक्ट करते हैं ए और सी से तो इस समय हमारे पास क्या क्या, क्या कोरिलेशन अवेलेबल होंगे ए का बी के साथ ए का सी के साथ और सी का बी के साथ तो उस समय हम लोग इस फंक्शन को फॉलो करते हुए आर स्क्वायर की कैलकुलेशंस करते हैं तो अब हम लोग ये इस्टेब्लिश करने के बाद कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या आपस में संबंध है आगे बढ़ते हैं और रिग्रेशन के एक महत्वपूर्ण एलिमेंट कॉन्सेप्ट रिग्रेशन लाइन के बारे में चर्चा करते हैं रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन का एक एसेंशियल एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये हमें क्या बताता है कि हमारे प्रिडिक्टर और क्राइटेरियन वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है यहाँ हम लोग पहले प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन वर्ड का मतलब रिग्रेशन के एनालिसिस के टर्म में समझ लेते हैं तो यहाँ प्रेडिक्टर का मतलब होता है जिन वेरिएबल्स से मैं अपने काइटेरियन अर्थात जो दूसरा वेरिएबल है जिसको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ उसे हम क्राइटेरियन वेरिएबल कहते हैं जिससे प्रेडिक्ट करता हूँ उससे उसे हम लोग प्रडिक्टर वेरिएबल कहते हैं जैसे यदि मुझे एक्स से y को प्रिडिक्ट करना हो तो इस कंडीशन में y मेरा क्राइटेरियन वेरिएबल है और x मेरा प्रिडिक्टर वेरिएबल है अब हम लोग वापस रिग्रेशन के लाइन के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं तो जो रिग्रेशन लाइन है ये मुझे क्या बताती है कि प्रिडिक्टर्स और क्राइटेरियन वेरिएबल के बीच में कैसा रिश्ता है क्या रिलेशनशिप है कि वो किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं किस प्रकार मैं x से y का जो अकेरेंस है मैं प्रडिक्ट कर सकता हूँ ये हमें रिग्रेशन की लाइन से जानकारी मिल सकती है दूसरा रिग्रेशन की लाइन से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो प्रडिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी वो किस हद तक कितने एक्सटेंट तक हमारी हेल्प कर सकता है हमारे क्राइटेरियन वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में इसके अलावा हमें ये और क्या जानकारी देता है कि जो काइटेरियन वेरिएबल है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस प्रकार हमारे प्रिडिक्टर वेरिएबल के कारण आ रहे हैं जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया रिग्रेशन एनालिसिस हमें कॉजेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है तो यहाँ पर हम लोग क्राइटेरियन वेरिएबल में जो चेंजेस हैं वो किस प्रकार किसके कारण हो रहे हैं प्रेडिक्टर वेरिएबल के ये जान सकते हैं उसके अलावा ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है डिस्पर्जन ऑफ रेजिडुअल। आगे जब हम अभी ड्रॉ करेंगे रिग्रेशन लाइन को तो आप जानेंगे कि रेजिडुअल किसे कहते हैं उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही रेजिडुअल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना इजी होगा तो हम लोग रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे रिग्रेशन लाइन उसी समय डिस्कस करते हैं अब इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इंटरसेप्ट या कॉन्स्टेंट इंटरसेप्ट या कांस्टेंट वो वैल्यू है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल या क्राइटेरियन वेरिएबल की जब जब हमारे प्रेडिक्टर वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो तो यदि हमारे प्रिडिक्टर वेरिएबल की ज़ीरो वैल्यू है उस समय हमारे क्राइटेरियन की क्या वैल्यू है उसे हम लोग इंटरसेप्ट या कांस्टेंट कहते हैं हमारे इंटरसेप्ट का इंटरप्रटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अभी जब हम लोग रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी के साथ साथ इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तब इन कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा तो अब हम लोग एक रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं तो जैसा कोरिलेशन में होता है उसी प्रकार रिग्रेशन में भी हम लोग दो वेरिएबल्स को एक्स और वाई के एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं हमने माना कि एक्स एक्सिस पर हमारे प्रिडिक्टर वेरिएबल हैं और वाई एक्सिस पर हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल उसके बाद हमारे ये कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट्स हैं एक्स पे और वाई पे। हम लोग हाइपोथेटिकली ये ड्रॉ कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि इस तरह का हमें डेटा मिला इस कंडीशन में यदि हम कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इन डेटा पॉइंट्स को मैक्सिमल तर, मैक्सिमम तरीके से कॉरस्पॉन्ड करे अर्थात मैक्सिमम तरीके से रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं रिग्रेशन की बेस्ट फिट लाइन तो यदि आपको लगे कि यहाँ पे अगर मैं लाइन खींचूँ तो वो बेस्ट फिट होगी किसे इस डेटा के डिस्पर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ पे मुझे साफ़ दिख रहा है कि ये वो लाइन नहीं है जो मैक्सिमम मेरे डेटा पॉइंट्स को टच कर रही हो या उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी जो इन डेटा पॉइंट्स में सभी डेटा पॉइंट्स के सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू रखती हो तो यदि मैं इस लाइन को यहां खींचने का प्रयास करूं तो हम ये मान सकते हैं कि जो लाइन है वो कॉरस्पोंड कर रही है सबसे अधिक मात्रा में मेरे सभी डेटा पॉइंट को तो ये लगभग लगभग सभी डेटा पॉइंट्स के आसपास से गुजर रही है इसी को हम लोग बेस्ट फिट लाइन कहते हैं रिग्रेशन की बेस्ट फिट लाइन इस बेस्ट फिट लाइन को कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे ओ एल एस पी एल एस लीस्ट स्क्वायर मैथड ये आप लोग आगे जब हायर स्टडीज़ में रिग्रेशन पढ़ेंगे तो उन मेथड्स के बारे में जानकारी पाएंगे यहाँ पर हम लोग अपने जो आ, हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं रिग्रेशन लाइन के उन्हें कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों ने अपना डिस्कशन लीव किया था छोड़ा था रेजिडुअल पे। तो रेजिडुअल वो डिफरेंस है जो इस लाइन से वर्टिकली अगर मैं लाइन खींचूं सभी डेटा पॉइंट पर तो ये जो डिफरेंस है ये जो लाइन है ये जो वैल्यूज़ हैं ये हैं रेजिडल मतलब जो रिग्रेशन लाइन है वहाँ जो डेटा पॉइंट पड़ना चाहिए जो हम अज्यूम कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं वो और ये जो डेटा पॉइंट जो ऑब्जर्व हुए हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है डिफरेंसेस हैं ऐसे आपको ये वर्टिकल लाइन खींचनी होगी वो क्या है रेजिडुअल। रेजिडुअल का अर्थ है कि जो प्रेडिक्ट होने से बच गया देखिए जो डेटा पॉइंट इसी लाइन पे होंगे उनका रेजिडुअल जीरो होगा अर्थात वो एग्जैक्टली exactly प्रिडिक्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सभी डेटा पॉइंट्स आपके उस लाइन पर आपको मिल जाए कुछ डेटा पॉइंट्स या बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपको उस लाइन के एक तरफ या दूसरी तरफ मिलेंगे तो जो डिफरेंस है इसे हम लोग रेजिडुअल कहते हैं इसके साथ साथ हमने अपने डिस्कशन को कहाँ पे क्लोज किया था इंटरसेप्ट yeah, तो या कांस्टेंट। तो इंटरसेप्ट या कांस्टेंट वो वैल्यू होगी जहाँ पे ये बेस्ट फिट लाइन मेरे वाई को क्रॉस करेगी तो ये जो वैल्यू होगी ये होगा इंटरसेप्ट जहां पे भी बेस्ट फिट लाइन मेरी वाई को क्रॉस करे वो वैल्यू इंटरसेप्ट या कांस्टेंट कहलाती है इसका अर्थ हमने क्या बताया जब एक्स की वैल्यू जीरो हो उस समय वाई की वैल्यू बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम कहें या मीन वाई की वैल्यू जब हमारे प्रेडिक्टर की वैल्यू जीरो हो तो इसको इंटरप्रिटेशन करते समय हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है जैसे यदि हमें ये प्रडिक्ट करना है कि जो हमारा सिलेक्शन का जो स्कोर था जब हमने एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट किया तो जो हमने टेस्ट किया उसका सिलेक्शन का जो स्कोर है हमारे पास और उसके बाद जो हमारे परफॉर्मेंस का स्कोर है एम्प्लॉयज़ के वो दोनों हैं और हम सिलेक्शन के स्कोर से यदि परफॉर्मेंस के स्कोर को प्रेडिक्ट करें तो उस समय यह पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन का स्कोर यदि उसके जीरो नंबर आए हों तो उस कंडीशन में हमारे पास एक वाई का स्कोर अवेलेबल होगा लेकिन यदि हम जैसे इस परिस्थिति में ये प्रेडिक्ट करें कि एज का हम एज से हम प्रेडिक्ट करें वर्क परफॉर्मेंस को तो एज क्या होगी हमारी एक्स y माना परफॉर्मेंस इस कंडीशन में कहा जा रहा है एज जब ज़ीरो हो तो एज ज़ीरो अगर होगी तो उसको पहले जॉब नहीं मिली होगी वो कोई वर्क नहीं कर रहा होगा तो जब हमारा इंटरसेप्ट का हम लोग इंटरप्रिटेशन करें उस समय हमें अपने वेरिएबल की नेचर को ध्यान देना होता है क्योंकि डेटा एनालिसिस एक स्पेसिफिक तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस पर मैथडोलॉजीज पर डिपेंड करता है वह वेरिएबल की नेचर पर और उससे किए गए डेटा कलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है तो उस समय रिसर्चर का ये एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डेटा एनालिसिस के रिज़ल्ट को एक लॉजिकल तरीके से इंटरप्रेट करे उसे एक लॉजिकल तरीके से मीनिंग दें और उस मीनिंग को हमारी ऑडियंस तक कन्वे करे इसके बाद हम लोगों के पास जो डिस्कशन का पॉइंट था वो था रेजिडुअल कैसी होनी चाहिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इंडिपेंडेंट तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारी रेजिडुअल है यदि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया था तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि जो रेजिडुअल्स हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों किसके सराउंडिंग में मेरी रिग्रेशन की लाइन में अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करते हैं होमोसिडेस्ट्रिसिटी एंड हैट्रोसिडेस्ट्रिसिटी ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं हम यहाँ देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्स एक्सिस पर अभी भी एज ही है हमने एज को एक्स एक्सिस पर रखा और हम एज के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि लोगों की परचेज करने की क्या प्रवृत्ति है क्या टेंडेंसी है कि वो लोग एक स्पेसिफिक तरह का फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान लेते हैं के कपड़े ख़रीदने की क्या प्रवृत्ति है एज के साथ तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं एज और गारमेंट्स को परचेज़ करने के बीच में क्या रिलेशन है और क्या हम गारमेंट्स को परचेज करने में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे एज से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं तो देखिए हो क्या सकता है कि यदि एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ से 20 से शुरू किया 20, 22, 23, ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट ट्वेंटी थर्टी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स के अभी इस तरीके से डिस्पर्जन है. और 20 टू ट्वेंटी फोर ये जो एज ग्रुप है इसमें जो रेजिडल्स हैं ये मेरी बेस्ट फिट लाइन के बहुत करीब हैं यहीं पर हैं आसपास इसका अर्थ हुआ कि इस वाले ग्रुप में मैं आसानी से क्योंकि ये मेरी बेस्ट फिट लाइन के क्लोज हैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है कि 34 से 80 सॉरी 34 से 40 का जो एज ग्रुप है इसमें जो मेरी रेजिडुअल्स हैं वो मेरी रिग्रेशन की बेस्ट फिट लाइन के बहुत दूर हैं कुछ उसमें बहुत करीब हैं कुछ उसमें बहुत दूर हैं तो अगर आपको याद होगा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और हेट्रोजेनिटी ऑफ वेरिएंस तो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कब होता है जब डेटा पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के क्लोज में हूँ, एक जैसी नेचर रख रहे हो, एक जैसा डिस्पर्जन रख रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर भी है तो यदि ये हेट्रो है इसका मतलब हुआ कि जो हमारे रेजिडुअल्स हैं वो कुछ मेरे रिग्रेशन लाइन के बहुत क्लोज हैं कुछ मेरे रिग्रेशन लाइन के बहुत दूर हैं तो इस कंडीशन को हम लोग एक अलग नाम देंगे और इस कंडीशन को एक अलग नाम देंगे तो ये जो पहली वाली कंडीशन है इसे हम कहते हैं होमोसिडेस्टिसिटी और दूसरी वाली कंडीशन जहां पर जो रेजिडुअल्स हैं कुछ बहुत क्लोज हैं कुछ बहुत दूर हैं, तो वो होगा हेट्रोसिडेस्ट्रीसिटी जैसे होमोजेनियस वेरिएंस और हेट्रोजेनियस वेरिएंस तो अब इस रिग्रेशन के इन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसी होती है और वो किस प्रकार से हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है तो जो रिग्रेशन की इक्वेशन है वो कॉमनली उसमें y, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल उसके बाद यहाँ पर इंटरसेप्ट जिसे हम a से भी डिनोट करते हैं इंटरसेप्ट क्या है ये हमने अभी डिस्कस किया उसके बाद b बीटा वन एक्स प्लस एरर यह एक सामान्य सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है यहां पर वाई का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल का पॉइंट ए इंटरसेप्ट इसका मीनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बीटा वो वैल्यू के कितना हम एक्स के थ्रू वाई को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्स एग्जैक्टली आई प्रिडिक्टर का डेटा पॉइंट प्रिडिक्टर की वैल्यू और ई e, वो पोर्शन वो प्रपोर्शन जो इस रिग्रेशन की इक्वेशन से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो इतना वाला पार्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिडिक्शन को और ये वो वाला पार्ट जिसे हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ये कब की कंडीशन है जब हमारे पास दो वेरिएबल हों और हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन से इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिग्रेशन में एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा वेरिएबल से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे हम वाई को वेरिएबल एक्स और वेरिएबल जेड दोनों से भी प्रजेंट कर सकते हैं दोनों से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस परिस्थिति में हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन कैसी होगी y स्क्ल टू इंटरसेप्ट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू इंटू एक्स टू प्लस ई तो यहाँ पर ये एक्स वन है मतलब एक वेरिएबल प्रिडिक्टर दूसरा एक्स टू मतलब प्रेडिक्टर टू तो इस प्रकार यदि हमारे प्रेडिक्टर एड ऑन होते चले जाते हैं तो हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन में इस तरीके से वो एड ऑन होते चले जाते हैं यहाँ पर प्रेडिक्शन की वैल्यू कहाँ तक होगी जहाँ तक हमारे पास बीटा है और ये वो कौन सा प्रोपोर्शन है ई वो वाला प्रोपोर्शन जिसे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस डेटा और इस रिग्रेशन की इक्वेशन के माध्यम से तो अभी तक हम लोगों ने रिग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और ये समझा कि उसका कोरिलेशन के साथ क्या संबंध है हमने ये जाना कि रिग्रेशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिजिडुअल क्या होता है रिग्रेशन लाइन क्या होती है रिग्रेशन की लाइन में रिजिडुअल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है इंटरसेप्ट क्या होता है तथा रिग्रेशन इक्वेशन में जो नोटेशंस यूज हुए हैं उनका मीनिंग क्या है और रिग्रेशन की इक्वेशन हमें किस तरीके से हमें प्रिडिक्शन में हेल्प करती है तो अब इस सभी जानकारी को एकत्र करके हम लोग रिग्रेशन का एक नूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ ये जानने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे पास डेटा हो तो हम किस प्रकार एक्स से वाई को या आप कहें प्रेडिक्टर से क्राइटेरियन वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल डेटा यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और उस हाइपोथेटिकल डेटा के माध्यम से हम लोग वाई को प्रेडिक्ट किस प्रकार से किया जाता है ये सीखने का प्रयास करेंगे तो जैसा हम लोगों ने कहा कि रिग्रेशन के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया परसन पर्सोनैलिटी साइकोलॉजी के मार्क्स किसी एक व्यक्ति के यदि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में जो मार्क्स आए हैं वो हमारे लिए वेरिएबल एक्स का काम कर रहे हैं दूसरा सोशल साइकोलॉजी अब उसका दूसरा पेपर था सोशल साइकोलॉजी का तो अब हम लोग जो वाई वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल है कॉमनली हम लोग रिग्रेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रिडिक्टर और क्राइटेरियन तो जो सोशल साइकोलॉजी है जो हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है वो और उसके साथ साथ अब हमें और क्या नंबर्स चाहिए जिनके माध्यम से हम लोग प्रेडिक्ट कर सके तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए मेन एक्स उसके अलावा एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन उसके अलावा मीन वाई का और मी स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और हम लोगों ने यह जाना था कि रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में क्या संबंध है तो इसके साथ साथ हमें इक्वेशन के लिए चाहिए दोनों के बीच में कोरिलेशन अब हम लोग हाइपोथेटिकली एक डेटा ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल मीन एक्स है हमारे पास 70 और इसका स्टैंडर्ड एविएशन है 6। मीन वाई सिक्सटी और y की सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 8। इन दोनों वेरिएबल्स में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो कोरिलेशन है वो है पॉइंट तो अब हमारे पास दोनों सीरीज का मीन है और दोनों सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है और दोनों वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन है अब हम लोग देखते हैं क्या हम इस जानकारी के माध्यम से यदि हमारे पास पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का कोई स्कोर हो तो उससे सोशल साइकोलॉजी के स्कोर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं और कर सकते हैं तो किस प्रकार करेंगे तो हमने माना पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का उस स्टूडेंट का स्कोर है सिक्सटी तो इस कंडीशन में यदि हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस एम एक्स प्लस एम वाई अब हम लोग देखते हैं कि इन नोटेशंस में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है आर की वैल्यू हमारे पास है पॉइंट सेवन जीरो 8 वाई एट सिग्मा एक्स सिक्स अब हमारे पास एक्स है माइनस एम एक्स मीन्स मीन मीन है हमारे पास सेवेंटी प्लस मीन वाई सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव अब हम लोग इस कैलकुलेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट नाइन थ्री इस पोर्शन को कैलकुलेट करके देन एक्स माइनस सेवेंटी प्लस सिक्सटी फाइव अब हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलेगा पॉइंट नाइन थ्री एक्स माइनस पॉइंट वन जब हम इस पूरी सीरीज को कैलकुलेट कर लेंगे तो अब हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी लास्ट में फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू थी सिक्सटी हम लोगों ने कैलकुलेशंस यहाँ पर कंप्लीट की और इन कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास y की वैल्यू आई वो आई 55.7 तो हमने यहाँ देखा यदि हमारे पास x की वैल्यू हो हमारे पास उस सीरीज़ का मीन हो स्टैंडर्ड एवियेशन हो उस सीरीज़ के दूसरी सीरीज का मीन हो स्टैंडर्ड एविएशन हो और कोरिलेशन हो तो इस कंडीशन में किस प्रकार से हम लोग एक्स के माध्यम से वाई को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जिसका पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में स्कोर 60 आया होगा उसका सोशल साइकोलॉजी में प्रडिक्टेड स्कोर 55.7 होगा तो आप हमने इस नमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से रिग्रेशन के फंक्शंस और रिग्रेशन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये सीखा अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो रिग्रेशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं तो जब भी आप रिग्रेशन का रिज़ल्ट कहीं देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वहाँ पर बीटा सॉरी बी बीटा टी और आर स्क्वायर देखने को मिलेगा यहाँ पर बीटा का क्या अर्थ है बीटा को हम लोग कहते हैं अन स्कोर सॉरी बी को हम लोग कहते हैं अनस्टैंडराइज स्कोर तथा बीटा को कहा जाता है स्टैंडर्डाइज स्कोर टी यहाँ पर हमें आगे ये बताएगा कि जो बीटा है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं आर स्क्वायर हमें बताता है टोटल प्रिडिक्शन के हम वेरिएबल्स प्रिडिक्ट के माध्यम से कितने परसेंट वेरिएंस अपने क्राइटीरियन वेरिएबल में प्रडिक्ट कर सकते हैं तो यहां पर बीटा जो कि अनस्टैंडराइज कहा जाता है उसका क्या अर्थ होता है बीटा हम लोग डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट सिंपल यूनिट तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट इन टर्म्स ऑफ यूनिट का क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ कि यदि हम वन यूनिट चेंज करें किसमें एक्स एक्सिस एक्स एक्समर जो एक्स वेरिएबल हमारे पास है प्रेडिक्टर तो हमारे बी जो वाई वेरिएबल है उसमें कितना चेंज होगा जो बी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल यहां अगर बी की वैल्यू वन पॉइंट फाइव है तो यदि हम एक्स प्रेडिक्टर वेरिएबल पर वन यूनिट चेंज करें तो हमारे वाई वेरिएबल पर 1.5 यूनिट चेंज होगा यह कहलाता है बी अनस्टैंडराइज़। इसके बाद आता है बीटा बीटा को हम लोग डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडराइज स्कोर एस डी एसडी डी क्या होता है हम लोगों ने लास्ट के डिस्कशन में क्लासेस में डिस्कस किया है तो यहाँ पर बी में हम लोग यूनिट के टर्म्स में डिस्कशन करते हैं बीटा में के कंडीशन में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे बीटा का क्या अर्थ होगा कि यदि हम लोग वन यूनिट चेंज करें किसके टर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे y में क्या चेंज आएंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर बीटा की वैल्यू पॉइंट सेवन है तो यदि मैं x में वन एस चेंज करूं, तो y में पॉइंट फाइव सेवन एस डी यूनिट चेंज होगा और इसी के माध्यम से हम लोग अपने प्रेडिक्टर वेरिएबल से अपने क्राइटेरियन वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ हम लोगों ने बहुत ही सामान्य शब्दों में बीटा के अर्थ को समझने का प्रयास किया आगे हायर स्टडीज़ में आप स्टैंडर्ड स्कोर बीटा को हम क्यों और किस प्रकार यूज़ करते हैं और इसकी किस प्रकार व्याख्या करते हैं सीख पाएंगे अब आर स्क्वायर। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टी टी हमें क्या बताता है कि ये जो बीटा हमें मिला है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं तो यदि टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है तो इसका अर्थ है कि ये जो बीटा की वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट है तो हम कह सकते हैं कि हम इस वेरिएबल के माध्यम से अपने क्राइटीरियन वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो ये हुआ हमारा बी का इंटरप्रटेशन बीटा का इंटरप्रटेशन टी का इंटरप्रटेशन अब आर स्क्वायर यदि हम माने कि हमारा आर स्क्वायर है पॉइंट सेवन सेवन तो इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि हम लोग अपने प्रिडिक्टर वेरिएबल से अपने क्राइटेरियन वेरिएबल पर 77% वेरिएंस परसेंट वेरियंस कर सकते हैं तो हमारा आर स्क्वायर हमें ये बताता है कि कितने परसेंट वेरियंस काइटेरियन वेरिएबल में प्रिडिक्टर वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा अगर प्रिडिक्टर वेरिएबल हैं तो वो सारे वेरिएबल मिलकर कितने परसेंट वेरिएंस हमारा क्राइटीरियन वेरिएबल पर प्रिडिक्ट करते हैं तो यहाँ हम लोगों ने जो रिग्रेशन की बेसिक इंटरप्रटेशन की टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट किया अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये जानते हैं कि रिग्रेशन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं और किन किन कंडीशन में हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर हमने लिखा है लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन हम लोग किस कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं जब जब हमारा डेटा लीनियर हो उसका डिस्पर्जन दोनों वेरिएबल्स का लीनियर हो और हमारा डेटा कंटिन्यूस हो या हमारा डेटा लिकर्ट पर साइकोलॉजिकल किसी मेज़र्स के द्वारा कलेक्ट किया गया हो जहाँ पर वो डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और कंटिन्यूस हो इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब हमारे पास जो हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है वो बाइनरी कंडीशन में हो बाइनरी कंडीशन हम किसे कहते हैं जब यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी हो आउटकम्स की जैसे यस और नो तो ये कौन सी कंडीशन है बाइनरी सिर्फ दो ही आउटकम पॉसिबल हैं तो यहाँ पर जहाँ लीनियर रिग्रेशन में दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस हैं दोनों वेरिएबल लिकर्ट पर कैलकुलेट हुए हैं वहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हमारा एक वेरिएबल है वो बाइनरी स्टेट में है यस yes, नो no, जैसी कंडीशन में है तो यहाँ हम लोगों ने एक और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन हम किसे कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन का अर्थ है जब हम लोग एक से ज़्यादा प्रेडिक्टर वेरिएबल्स के माध्यम से किसी एक क्राइटेरियन वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं तो जैसे अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वेरिएबल ए से हम लोग वेरिएबल बी को प्रडिक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन में हम बी को ए सी डी अर्थात एक से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल तो जब हमारे प्रडिक्टर वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं और उनसे हम लोग अपने क्राइटीरियन वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जिस रिग्रेशन का यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन के और भी टाइप हैं जैसे स्टेप वाइज रिग्रेशन और भी रिग्रेशन के टाइप्स हैं उनका अध्ययन हम लोग हायर स्टडीज में जब हम लोग हायर डेटा एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि यही सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिग्रेशन के बारे में नहीं है अब तक हमने जो भी एनालिसिस किए उन एनालिसिस के हम लोगों ने जो बेसिक फंक्शनिंग है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं और जो उनके बेसिक यूटिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन किया है अभी चाहे वो टी हो अनोवा हो कोरिलेशन हो रिग्रेशन हो इनके बारे में अभी बहुत जानकारी हमारे पास हमारी बुक्स में हमारे इंफॉर्मेशन में लिटरेचर में अवेलेबल है तो यहाँ पर हम लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को उस ज्ञान को लर्न करने की सीखने की जो एक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किया है इसके आगे अभी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकते हैं जिन्हें हम आगे की क्लासेस में आगे हायर स्टडीज़ की क्लासेस में सीखेंगे तो यहाँ पर इस कोर्स को इन कॉन्सेप्ट को एंड करने का अर्थ ये नहीं है कि हमने इन कॉन्सेप्ट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है अभी यह है सिर्फ सिर्फ़ एक शुरुआत है इन कॉन्सेप्ट की सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है अभी पूरा एक समंदर है इन इंफॉर्मेशन्स के लिए इनको समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल मैथडोलॉजीज़ को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी कोशिश करने की बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता होगी डेटा एनालिसिस के अभी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस कोर्स में चर्चा नहीं कर पाए हैं वो चर्चा आगे के जो कोर्सेज हैं आगे की जो क्लासेज हैं उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आज की इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आपका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो धन्यवाद